मन यहाँ हजारों जहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री कचरा हटाने या गंदगी साफ करने का अभियान चलाते हैं, तो वहीं गंदगी का ढेर लगा हुआ डालीगंज में, जहाँ जो है एक सोशलिस्ट अनोखी पहल अनोखी तरह से जो है कचरा उठाने के लिए मांग कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, जो बहुत ही तगड़ी पहल है। एक अपने हाथों में तख्ती भी लिए हुए है, जिनका कहना है यहाँ से अगर कूड़ा नहीं उठा तो आज मेरी लाश उठेगी। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि राजाजीपुरम में भी एक अनोखी पहल हुई थी, जो सड़कों पर गड्ढे थे उन गड्ढों को भरने के लिए, वहाँ गुलाब के फूल से उन गड्ढों को भरा गया था। गांधी वादी के तरीके में जो है गड्ढों को बनवाने का सरकार से अपील की गई थी, लेकिन यहाँ जो आज एक अनोखी अपील है कि यहाँ से कचरा हटाया जाए या मेरी लाश यहाँ से उठाई जाए, तो हम उन्हीं से बात करते हैं, जानते हैं क्या है पूरा बात है। जी बताइए, आप यहाँ पर जो अनोखी तरह से पहल कर रहे हैं, आप बैठे हैं, क्या है पूरा बात? देखिए, ये समस्या दो चार सालों की नहीं है, ये समस्या वर्षों से, मैं बचपन से देख रहा हूँ, यहाँ की समस्या अभी तक हल नहीं की गई। हालांकि बातचीत की गई, उच्च अधिकारियों से बात हुई, लेटर लिखे गए हैं और प्रदर्शन भी हुए हैं, अब सर उनका कोई भी रास्ता नहीं निकला। हमारी ये डिमांड है, हमारी डिमांड थी कि कूड़ा यहाँ से हटाया जाए, लेकिन अभी तक कूड़ा नहीं हटा है। अब आज हम यहाँ पे अनशन पे बैठे हैं, आज हमारा पहला दिन है और हम ये चाहते हैं यहाँ पे नगर आयुक्त साहब आएँ, यहाँ पे देखें घटना स्थल ग्रल जो है वो देखेंगे तो उनको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। गरीब बस्ती है, गरीब लोग रहते हैं, कैसे लोग रहते हैं, लोग बीमार हो जाते हैं, अगर उनके दुख तक बड़ी बीमारी को चपेट में ले, लेकिन उनके पास पैसा नहीं, इलाज कहाँ से करेंगे, तमाम ऐसी परेशानियाँ। इससे पहले आपकी बात किसी से हुई, प्रशासन से या नगर निगम से? सर, नगर निगम में हमारी बात हुई है, म्यूनसिपल कमिश्नर साहब से बात भी हुई है, बाकायदा मैंने एक लेटर भी लिखा, उनको दोबारा मिलने के लिए फ़ोन भी किया गया, बट कोई रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद मैंने ट्विटर पर ये बात लिखी थी, सबको टैग किया था, सीएम से लेकर के नगर आयुक्त तक सबको मैंने टैग किया था। मैंने कहा था अगर यहाँ का कूड़े का समस्या नहीं दूर करेगी, यहाँ हमेशा के लिए कूड़े को नहीं हटाया गया, तो यकीनन मैं एक बड़े पैमाने पर अनशन शुरू कर दूंगा, जो लखनऊ से होते हुए आया उत्तर प्रदेश दिल्ली सांसद तक आवाज जाएगी, और आज मैंने शुरू कर दिया है। यहाँ का पार्षद कौन है? यहाँ का पार्षद सर सगीर खान साहब। तो क्या उनसे कोई बातचीत हुई, उनसे कुछ कहा गया? देखिए, उनसे उनका साहब जाते थे, हमारी बात हुई थी, लेकिन उससे पहले जब मिलने आते थे वो सदन में रहते थे, वो नहीं, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है। लेकिन साहब ज़्यादा जब बात होती, साहब ज़्यादा उनके ये कहते थे कि हमारे अंडर में नहीं आता, रेलवे के अंडर में, यहाँ की जो आवाम है वो साबित करेगी, वो उनको सबूत है, यहाँ के जो लोग स्थानीय लोग वो लोग जब जाते थे उनके पास कि कूड़े की आप कुछ समस्या है जो हमारी हेल्प करें दूर करें, तब भी वही जवाब रहता था कि हमारे अंडर में नहीं आते, रेलवे के अंडर में आता है। यहाँ के जो विधायक हैं नीरज वोरा जी हैं, तो क्या उनसे कोई मुलाकात या बात? नहीं सर, उनसे मेरी कोई मुलाकात कोई बात नहीं हुई। ये अनोखी पहल आपके दिमाग में कब आया, कब आपको ये लगा कि अब हमको बैठ के जो है अनशन छेड़ना चाहिए, एक विरोध प्रदर्शन करना चाहिए? सर देखिए, मैं भी शिक्षित हूँ, मैं भी आज़ाद पत्रकार हूँ और मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और मैं बचपन से इस तरह के काम करते आ रहा हूँ, लेकिन यहाँ की जो समस्या है, मैंने ये सोचा, यहाँ पे प्रदर्शन भी हुए हैं, लेटर भी लिखे गए हैं, मुलाकातें भी हुई हैं, लेकिन इसका कोई परिणाम अभी तक नहीं निकला, तो मैंने ये सोचा, इसीलिए मैंने रमज़ान के दिनों में मैं जून जुलाई में मैंने ये ट्वीट किया कर दिया था, अगर काम नहीं होता है या ना यहाँ की जो समस्या दूर नहीं होगी तो अनशन शुरू कर देंगे। लेकिन रमज़ान में यहाँ काम शुरू हो गया, वो पत्थर बिछ गए, पत्थर बिछा दिए गए, फिर हम उनसे मिले, वहाँ गए हैं, हमने फ़ोन पर बात करने की कोशिश की, उनसे नगर आयुक्त से बात नहीं हो पाई, फिर हमने उनको बधाई दी, वहाँ जाकर के बाकायदा मिठाई का डिब्बा लेकर गए, बधाई दिए कि सर काम तो शुरू हो गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आवाम आके खुश है, लेकिन काम बीच में रुक गया, पत्थर डालने के बाद काम रुक गया। उसके बाद यहाँ की गंदगी और यहाँ का रोड बनने का आश्वासन दिया गया था, रोड बनेगी, रोड भी नहीं बनी, रात में गड्ढों में बुजुर्ग गिर जाते हैं, हाथ पैर टूट जाते हैं, पुलिस की जीप भी गड्ढों में गिर चुकी है और नगर निगम की गाड़ी खुद गड्ढों में फंस चुकी है। सर ये आपका अनशन कब बैठे हैं, इस अनशन पर? सर मैं अनशन पे आज 12:30 बजे से शुरू कर दिया हूँ, मैंने टाइम तो था 2 बजे का, लेकिन मुझे खबर मिली थी कि मुझे रोकने के लिए साजिशें रची जा रही हैं, इसलिए मैंने 12:30 बजे आगे शुरू कर दिया अनशन। ये कब तक चलता रहेगा? जब तक यहाँ का कूड़ा हमेशा के लिए नहीं उठेगा, अब जो कूड़ा उठेगा वो आखिरी बार उठेगा, नहीं तो लाश उठेगी मेरी, और अगर मेरे डिमांड को जल्द से जल्द पूरा नहीं किया कि नगर आयुक्त साहब नहीं आए तो मैं भूख हड़ताल शुरू कर दूंगा, ऑलरेडी मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। तो क्या कोई मिलने आपसे आया 12 बजे से लेकर अभी तक? अभी एक नगर निगम के इंस्पेक्टर साहब से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं, रात हो दिन हो कितने भी दिन लगे मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और यहीं सोऊंगा रात में, आके आप देख सकते हैं। क्या किसी से मुलाकात करने का इरादा, सीएम या किसी सांसद से? अगर जल्द से जल्द अगर मेरे जो यहाँ की जो समस्या है उसको दूर नहीं किया गया या आवाम की समस्याओं को दूर नहीं किया गया तो यकीनन मैं सीएम साहब से भी मिलूंगा। हालांकि एक लेटर मैंने लिखा भी था लेकिन पहुँचा नहीं, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। यहाँ के लोगों को कितना साथ है आपके साथ? सर पूरा साथ है, ये सब मेरे अपने लोग हैं, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मेरा मोहल्ला मेरा परिवार की तरह है।
ये परेशानी कब से हो रही है आप लोगों को? मैं तो बचपन से देख रहा हूँ, पहले ये दीवार नहीं थी, पहले कूड़ा अंदर पड़ता था, बट कूड़ा यहाँ भी आता था, तो रेलवे वालों ने दीवार तो उठा दी, उन्होंने उनका जितना काम था रेलवे वालों ने कर दिया, लेकिन अब ये कूड़ा यहाँ पड़ने लगा। तो मैं इस कूड़े को तकरीबन 15 साल से करीब देख रहा हूँ सर, और बचपन से ही वैसे कूड़ा देख रहा हूँ, लेकिन अभी कुछ ज़्यादा रोड पे आ गया। अभी आज जब अनशन शुरू करने वाला था, सोशल मीडिया पे मैंने पूरे में वायरल कर दिया कि मैं अनशन शुरू करने वाला हूँ, तो मेरे सामने सुबह मॉर्निंग में 2 जमादार आते हैं, ये झाड़ू से ऐसे किनारे कर रहे हैं, पूरा रोड पे कूड़ा था, अभी नहीं है ना, पूरा रोड पे था। जब देखा मैं शुरू कर रहा हूँ अनशन, तो 2 जमादार आके कूड़ा किनारे कर दिए, उठाया नहीं, उठा भी लेंगे तो फिर पड़ेगा कूड़ा। इन सबके पीछे आप किसको कसूरवार मानते हैं? कसूरवार किसको माना जाएगा? कसूरवार देखिए, जो राजनेता दल के लोग होते हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनका कर्तव्य होता है, वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं, और आवाम है, जाहिर सी बात है यहाँ पे तमाम तरह की समस्याएं, कचरा भी आएगा, कचरा भी फैलाया जाएगा, जिस तरह कानून का उल्लंघन ना हो या कानून का पालन किया जाए तो जुर्माना लगाते हैं, धाराएं लगा देते हैं। तो आप, मैं ही चाहूँगा कि यहाँ भी नोटिस बोर्ड लगा दें, इधर लगा दें, कुछ सामने उधर लगा दें, कूड़ा यहाँ ना फेंके, नहीं तो भारी जुर्माना देना पड़ेगा, CCTV कैमरे लगा दें। किस चीज़ की कमी है यहाँ पे सरकार को, किस चीज़ की कमी है? गाली नहीं खरीद सकते नगर निगम की, कर्मचारी नहीं बढ़ा सकते हैं, तो क्या आवाम में हम लोग ऐसी इस तरह ही मरते रहेंगे क्या? इस संबंध में महापौर से कोई बात हुई? महापौर से मेरी ऐसी कोई बात नहीं हुई है। तो इस सरकार में और पिछली सरकार में क्या अंतर है? पिछली सरकार में ये इलाका साफ सुथरा रहता था। सरकारें कितनी बदल गई हैं, सब एक जैसे हैं, सरकारें सबकी बदली, इतने सालों में कितनी सरकारें बदल गई, किसने क्या कर दिया? इससे पहले कभी प्रदर्शन नहीं हुआ? प्रदर्शन भी हुआ, रोड जाम करी गई है। अभी देख लीजिए, कुछ शरारती तत्व के लोग आए हैं, और मैं अनशन शुरू करूँ, बाकायदा मैंने प्रेस रिलीज तैयार करी, मैंने आपको दी भी है, उस पर मैंने साफ तौर से लिख दिया कि अनशन, ये अनशन है, प्रदर्शन नहीं है। और मेरे पर अभी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि कुछ उग्रवादी टाइप के लोग हैं जो यहाँ पे एक लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे ऊपर धाराएं लगवाने की। जो अभी साहब एक पुलिस वाले थे, वो कह रहे थे कि काम कर रहा है अनशन, लेकिन कुछ लोग उसकी आड़ में गलत काम करना चाह रहे हैं, तो अभी से साजिशें होने लगी हैं। मैं ये, मेरा बस ये डिमांडिंग, यहाँ पर काम होना चाहिए। प्रशासन का कितना सहयोग? उम्मीद है प्रशासन से, इतना काम करा दिया इतने सालों में, मेरी उम्मीद पे खरे उतरे, मेरी उम्मीद को ज़ाया नहीं जाने दी, मुझे खुशी है, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा और काम करा दें, तो हम ज़िंदगी भर, मैं और मेरे मोहल्ले वाले, मेरे परिवार वाले हमेशा ज़िंदगी भर उनके शुक्रगुजार रहेंगे। उम्मीद है काम होगा इस सरकार में। ये थे मेरे बासाथ बातचीत करने के लिए अनशन पर बैठे वो शख्स, जिनका कहना है साफ तौर पर कि अगर यहाँ से कूड़ा नहीं उठाया गया तो प्रशासन या शासन मेरी लाश उठा के ले जाए। सत्योदय से शकील अहमद, लखनऊ।